गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेलर सीरीज अबाउट ए कॉमा बी, या दूसरे शब्दों में टेलर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप इससे फैमिलियर हो पाए। ठीक है, तो ये बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सपेंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई टेन इनवर्स एक्स वाई अबाउट वन कॉमा माइनस वन अप टू सेकेंड डिग्री टर्म। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था, एक्सपेंड द फंक्शन टेन इनवर्स एक्स वाई इन पावर ऑफ एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स माइनस वन एंड वाई प्लस वन, जो कि माइनस है तो वाई प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर अपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो करना कुछ नहीं है, सिंपली पहले आप टेलर सीरीज लिख लीजिए। ठीक है, तो बाय टेलर सीरीज दिस इज वी हैव। अब टेलर सीरीज तो इन पावर ऑफ एक्स वाई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि आपको किसमें एक्सपेंड करना है, तो ये आर्बिटरली पॉइंट के अलॉन्ग है, और अगर इन पावर ऑफ एक्स वाई बोलता तो ये मैकलारेन सीरीज है, अबाउट जीरो जीरो हो जाता। ठीक है, बहरहाल आप इसको बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस इज एफ ऑफ वन कॉमा माइनस वन, ठीक है, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन, दिस इज एक्स माइनस वन एफ ऑफ एक्स वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, अगेन दिस इज वाई प्लस वन, दिस इज एफ ऑफ वाई, दिस इज वन कॉमा माइनस वन, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, अगेन दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वन कॉमा माइनस वन, प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, टू टाइम दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वन, और दिस इज वाई प्लस वन एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज वन कॉमा माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, सी इक्वेशन नंबर वन। नाउ अगेन यू कैन कंस्ट्रक्ट ए टेबल इन द वेरी सिंपल वे। ठीक है, टेबल को आप आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस इज हियर, दिस इज एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फंक्शन लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, दिस इज टेन इनवर्स दिस इज एक्स वाई। ठीक है, इसमें आपको वैल्यूज रखना होगा, जब आप वैल्यूज रखेंगे तो टेन इनवर्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन रखने का मतलब कि टेन वर्स माइनस वन हो जाएगा, और टेन वर्स माइनस वन का मतलब हो जाएगा टेन माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, टेन माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा टोटल वैल्यू, दिस इज माइनस पाई बाई फोर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। यहां पर आपने माइनस वन रखा, माइनस वन का मतलब हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स पाई बाई फोर की वैल्यू। ठीक है, तो माइनस टेन इनवर्स पाई बाई फोर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, और माइनस बाहर हो जाएगा तो टेन इनवर्स इंटू टेन पाई बाई फोर मतलब माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, अगेन एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई, आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट कर रहे हो, तो पहला तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो कीपिंग y एज ए कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे y मिल जाएगा x का डिफरेंशिएशन वन। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, दिस इज इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, दिस इज प्लस वन बाई टू, क्योंकि इसमें आप अच्छा सॉरी माइनस रखोगे ना, माइनस माइनस, तो माइनस वन बाई टू। ठीक है, अगेन f ऑफ y दिस इज x कॉमा वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे आप, तो अगेन वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो यक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज वन बाई टू, दिस इज वन बाई टू। आप आगे बढ़िए, एफ ऑफ डबल एक्स यक्स कॉमा वाई, डबल एक्स मतलब एक्स को दोबारा आप एक्स वाले को, तो कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस टू यक्स, टू यक्स, इसको ऊपर भेज के देखो, या पी बाई क्यू के फॉर्म वाले को क्यों कर सकते हो, क्वेश्चन टू लगाते हुए, तो टू यक्स, और दिस इज वाई क्यूब, टू एक्स वाई क्यूब, और नीचे हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इसमें जब वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू तो प्लस वन, वाई की वैल्यू माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो टू हो जाएगा। यहां पर भी वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू टू या फोर हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगी आपकी वन बाई टू। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, वन बाई टू। अगेन एफ ऑफ वाई वाई एक्स कॉमा वाई, यहां देखिए वाई को अगेन वाई हो चुका है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में कीपिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, तो माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, तो माइनस टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब दिस इज वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे वन बाई टू आएगा, ठीक है। एक वैल्यू और, एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज एक्स कॉमा वाई, यहां देखिए वाई वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो ये फंक्शन आपका एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्वेश्चन टू लगाना होगा, जब लगाओगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, सॉरी वाई वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, वाई वाले को एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है, और ये वाई स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ठीक है, माइनस एक्स होगा और इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टू एक्स वाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो टू एक्स स्क्वायर वाई, और टू एक्स स्क्वायर सॉरी दिस इज वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको कैलकुलेट करोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। देखो ये x by something है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और इस फंक्शन को ऐसे ही लिखा, x का डिफरेंशिएशन वन माइनस x और इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 2x y कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2x y स्क्वायर, 2x y स्क्वायर, इसको रिजॉल्व करोगे तो ये प्लस टाइम है, ये माइनस टाइम है, घट के इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब आप इसमें रखोगे तो न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी जीरो मिल गई, इन सारी वैल्यूज को आप रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है। तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, वी गेट क्या मिलेगा आपको, वी गेट दिस इज टेन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस वन बाई टू दिस इज वाई प्लस वन, ठीक। अगली वैल्यू आपकी, तीन वैल्यू और चाहिए, वन बाई टू, ठीक है, दिस इज वन बाई फोर और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज अगेन वन बाई फोर, दिस इज वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो दिस इज द टेलर एक्सपेंशन अबाउट वन कॉमा माइनस वन, या इन अदर वर्ड दिस इज द टेलर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन टेन वर्स एक्स वाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई प्लस वन। तो बहुत सिंपल सी बात थी, पहले टेलर सीरीज लिखा, उसके बाद इस टेबल की सहायता से इन सारी वैल्यूज का, इन इस फंक्शन का जितने भी यूज वैल्यूज है उनको कैलकुलेट किया एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन पर, और इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में रिप्लेस कर दिया, तो आपको टेलर एक्सपेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, एक क्वेश्चन हम लोग और लेने जा रहे हैं इसी प्रकार का, मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहे हैं। ऐसे कोई भी सवाल आ सकता है और आसानी के साथ आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को आप टेलर सीरीज के माध्यम से इन्फिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है मैथमेटिक्स में। और साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स लेवल की स्टडीज, फिजिक्स वगैरह की भी स्टडीज करते हैं तो इसका यूज आपको दिखेगा, ठीक है। बराबर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहे हैं, दिस इज 10 इनवर्स दिस इज वाई बाई एक्स, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन द नेबरहुड दिस इज वन कॉमा दिस, ठीक है, अप टू सेकेंड डिग्री टर्म एंड आल्सो फाइंड अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ दिस इज 1.1.09।
1.1.09, ठीक है। इस सवाल में भी कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लम इसमें और जुड़ा हुआ है तो उसको समझना आसान है, देखिए आसानी के साथ समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप टेलर सीरीज लिख लीजिए, ठीक है। तो बाय टेलर सीरीज, दिस इज वी हैव, क्या वी हैव, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, दिस इज एफ ऑफ 1.1, दिस इज 1/(1, एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स 1.1, दिस इज वाई माइनस 1, एफ ऑफ वाई 1.1, ठीक है। और प्लस हो जाएगा, प्लस दिस इज 1/(2, दिस इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स 1.1, दिस इज वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ ऑफ वाई 1.1। और प्लस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई 1.1 प्लस डॉट डॉट डॉट, सी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा, तो वही टेबल आपको जो मैंने बताया उसी टाइप का टेबल को कंस्ट्रक्ट करना होगा। इस तरह से ब्लॉक बना लीजिए आप, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लिया इधर, एक लाइन इधर ड्रॉ कर लिया जिसपे वैल्यूज निकालना है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1 पे निकालना है आपको, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर एफ ऑफ एक्स वाई लिख लीजिए, क्या फंक्शन दिया गया है, टेन इनवर्स दिस इज वाई बाई एक्स, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 रखोगे तो ये पाई बाई 4 की वैल्यू है, ठीक है। अगेन इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करो, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 1/(1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन टू, दिस इज माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, सिंपल डिफ्रेंसिएशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस वाई अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू रखोगे तो माइनस 1/2 इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। माइनस 1/2 एफ ऑफ वाई करोगे एक्स वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो कीपिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस, और इसको अलग से करना पड़ेगा तो वाई का 1 दिस इज एक्स, सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू प्लस 1/2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स यक्स यक्स कॉमा वाई, एक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, क्वेश्चन रूल लगाओगे जब डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस 2xy माइनस माइनस सॉरी दिस इज प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू मिलेगा प्लस 1/2 अगेन, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, एफ ऑफ वाई वाई दिस इज एक्स कॉमा वाई, वाई को दोबारा वाई के रिस्पेक्ट में तो माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू मिलेगा माइनस 1/2, ठीक है। अगेन आप नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज एक्स कॉमा वाई, यहां देखिए y हो चुका है, y वाले को x के रिस्पेक्ट में, फिर से वही क्वेश्चन रूल लगाना होगा, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दिस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन है, और x का डिफरेंशिएशन 1, और ये x और इसका x के रिस्पेक्ट में 2x, घटाओगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, एक बार फिर से आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 10 वर्स वाई बाई एक्स दी गई थी, 1 रखने पर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1, एफ ऑफ एक्स वाई तो सबसे पहले तो 10 वर्स का डिफरेंशिएशन 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स जगह वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अलग से करोगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वैल्यू कैलकुलेट करोगे आफ्टर सॉल्विंग तो माइनस 1/2, एफ ऑफ वाई करोगे तो फिर वही 1/(1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर करने की जरूरत ही नहीं है, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा,
सॉल्व करोगे ये ऐसे, एफ ऑफ डबल एक्स एक बार एक्स हो चुका है, दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस वाई कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस, तो टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ऐसे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गए, इसको आपको इक्वेशन नंबर वन में रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन वी गेट क्या मिलेगा, सबसे पहले तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को एक्सपेंड करो, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, टेन इनवर्स दिस इज वाई बाई एक्स, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज रखिए, पहली वैल्यू आपकी पाई बाई फोर, दिस इज पाई बाई फोर प्लस, प्लस नहीं माइनस वन बाई टू, दिस इज एक्स माइनस वन, प्लस वन बाई टू, दिस इज वाई माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी एक्स एक्स वन बाई टू, वन और वन बाई वन बाई टू मिलकर वन बाई फोर, दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस वन बाई टू है तो वन बाई फोर, दिस इज वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, क्योंकि एफ ऑफ इसकी वैल्यू जीरो है। अब आपको निकालना क्या है, देखिए तो टेलर सीरीज हो गई, लेकिन कहता है कि आल्सो फाइंड अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ 1.10.9, कुछ नहीं करना है, जहां तक आपने कैलकुलेट किया था वहीं तक आप एक्स की जगह 1.1 और वाई की जगह 0.9 रिप्लेस करके इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, तो टेलर सीरीज हो गया आपका, दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज, ठीक है, इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड इन पावर ऑफ वाई माइनस वन, या इन अदर वर्ड इन द नेबरहुड ऑफ 1.1, ठीक है। बट ऑल्सो कैलकुलेटेड दिस इज एफ ऑफ 1.1 और 0.9, कैलकुलेटर से आप, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में बीटेक में, तो दिस इज पाई बाई फोर, तो बहुत स्ट्रेस नहीं है कैलकुलेशन का भी, दिस इज दिस 1.1 माइनस 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0.9 माइनस 1, ठीक है, दिस इज अप्रोक्स वैल्यू एंड दिस इज 1 बाई फोर, 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई फोर, दिस इज 0.9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस जहां तक आपने सीरीज निकाली है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.686857 इसकी अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेलर सीरीज हो गई, और ये जो अप्रोक्स वैल्यू निकालनी थी इससे आप अप्रोक्स वैल्यू को भी आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बस मैं और इस टॉपिक से कंसिडर करने जा रहा हूं, तो जिसको आप आसानी से समझिएगा, और तब इस चैप्टर को मैं क्लोज करूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो है जैकोबियन और फिर मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कंसिडर करने जा रहा हूं, ठीक है। ये इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके किताबों में मिल जाएंगे जिनको आप आसानी से इसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप क्वेश्चन नंबर 5 कह सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या था, एक्सपेंड एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन, दिस इज वाई माइनस वन, y माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके सोल्यूशन में जब कुछ ने दिया हो कम से कम 3 डिग्री टर्म तक इसको रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है, और कुछ दिया हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, ठीक है। तो बाय टेलर सीरीज दिस इज v है, क्या v है, दिस इज f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ 1 1, दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ब्रैकेट में x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स 1 1, प्लस y माइनस 1 एफ ऑफ y, दिस इज 1.1, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 1.1, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ y, दिस इज 1.1, 1.1 और प्लस 2 टाइम दिस इज एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स वाई 1 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3
दिस इज x माइनस वन का होल होल क्यूब f ऑफ यक्स 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 वन कॉमा वन, ठीक है, और प्लस y माइनस वन का होल क्यूब f ऑफ y, दिस इज वन कॉमा वन, प्लस थ्री टाइम x माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज y माइनस वन f ऑफ यक्स यक्स वाई वन कॉमा वन, ठीक है. लास्ट वैल्यू दिस इज प्लस थ्री टाइम x माइनस वन y माइनस वन का होल स्क्वायर f ऑफ यक्स डबल y वन कॉमा वन. इसको याद रखना बहुत ही आसान है, से इक्वेशन नंबर वन. नाउ अगेन वी गो टू द टेबल, ठीक है. टेबल से ही पूरा खेल है. अगर आप टेबल को समझ रहे हैं तो आसानी से इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. नाउ ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन. इस चीज का ख्याल रखिएगा, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू लॉग x, ठीक है. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x x के रिस्पेक्ट में, सॉरी दिस इज लॉग a, और इसका करोगे तो अगेन लॉग ए मिलके लॉग ए का होल स्क्वायर, ठीक है. इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको करते वक्त, ठीक है. नाउ फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज एक्स टू दी पावर वाई, वन टू दी पावर वन का मतलब हो जाएगा वन, ठीक है. इसको आप आसानी से कैलकुलेट करिएगा. नाउ एफ ऑफ यक्स एक्स कॉमा वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां पर x पे पावर है तो y x पे y माइनस वन, ठीक है. तो इसकी वैल्यू अगेन वन वन रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी वन वन, और वन पे जीरो तो वन पे जीरो का मतलब भी वन. f ऑफ y करोगे x कॉमा y तो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x टू दी पावर y इंटू लॉग x, ठीक है. और लॉग x वन रखोगे तो ये तो वन हो जाएगा, लेकिन लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाएगी, ठीक है. अगेन एफ ऑफ एक्स से यक्स से यक्स कॉमा वाई, एक बार एक्स हो चुका है दोबारा एक्स चाहते हो तो वाई, और ये ब्रैकेट में वाई माइनस वन एक्स टू दी पावर वाई माइनस टू, और ये वैल्यू आपको जीरो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है. फिर आप आगे बढ़िए, f ऑफ वाई वाई दिस इज x कॉमा वाई, इसको फिर y के रिस्पेक्ट में log x कॉन्स्टेंट, x टू दी पावर y का x टू दी पावर y इंटू log x log x log x मिलके log x का होल स्क्वायर, अगेन वैल्यू जीरो. देखिए सेम प्रोसेस को, अगेन f ऑफ यक्स 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 x कॉमा y, डबल बार x हो चुका है, एक बार और x चाहते हो कुछ नहीं करना होगा, y y माइनस वन वाई माइनस टू एक्स टू दी पावर वाई माइनस थ्री, और ट्रिपल x पर वैल्यू जो अगेन जीरो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है. फिर f ऑफ y y x कॉमा y, तो दो बार y हो चुका है, एक बार और y चाहते हो तो x टू दी पावर y का x टू दी पावर y और log x अगेन, तो log x का क्यूब, और ये वैल्यू अगेन जीरो, ठीक है. दो वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, f of x x y x comma y, ठीक है. यहां देखिए x y हो चुका है, कहा गया x y is missing, x y में मिस कर गया, x y मुझे कैलकुलेट करना था, मैं यहां पर ही कैलकुलेट कर रहा हूं. दिस इज f of x y, थोड़ा सा मैं x y, दिस इज x comma y, ठीक है. y के रिस्पेक्ट में हुआ था, y वाले को x के रिस्पेक्ट में हमें करना है, ठीक है. y वाले को हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, इसको करोगे तो y x पर y माइनस वन इंटू लॉग x, ठीक है. प्लस प्लस इसका करोगे तो वन बाई एक्स, तो दिस इज y माइनस थ्री, दिस इज वन बाई एक्स, और x को ऊपर भेज दोगे तो x टू दी पावर y माइनस वन, ये तो वैल्यू जीरो, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, दिस इज वन, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी दिस इज वन जीरो जीरो, ठीक है. एक्स वाई को आप दोबारा यक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन हो गया था लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई को आप दोबारा यक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो यहां तो आपको कोसेन टू लगाना पड़ेगा, ठीक है.
तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन टू लगाओगे तो वाई, ठीक है, गौर करिएगा, और ये वाई माइनस वन एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन इंटू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस आगे बढ़ोगे तो लॉग एक्स का दिस वाई एक्स पर वाई माइनस टू, ठीक है, और प्लस वाई माइनस वन एक्स पे वाई माइनस टू, इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको ये वैल्यू आपकी वन मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे एफ ऑफ एक्स वाई वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो डबल वाई हो चुका है, डबल वाई को आप एक्स के रिस्पेक्ट में चाहते हो, तो वी कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, तो दिस इज टू टाइम, इसका डिफरेंशिएशन टू टाइम लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अलग से करोगे तो वन बाई एक्स, तो एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन इंटू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस इसका करोगे तो वाई एक्स पे वाई माइनस वन इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज वैल्यू जीरो, क्योंकि दोनों जगह लॉग एक्स इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू रखा था आपने, इसको डिफ्रेंसिएट किया, वैल्यू रखा, ऐसे आपने इन सारे कैलकुलेशंस को कैलकुलेट किया, सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, बस ख्याल ये रखना है कि अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई को कांस्टेंट मानोगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट मानोगे, और इस टेबल की वैल्यू इक्वेशन वन में बस रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड सवाल सिर्फ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, यूजिंग दीस इन इक्वेशन नंबर वन वी गेट, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ वन वन वन, ठीक है, प्लस अगेन वन, और बाकी की दो वैल्यूज आपकी जीरो, ठीक है, तो दिस इज एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे आप तो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ये भी वैल्यू जीरो, ये भी वैल्यू जीरो हो गई, और फिर आपकी वैल्यू दो वैल्यू वन, फिर जीरो जीरो वाई वाली वैल्यू जीरो मिल गई, एक्स एक्स वाली वैल्यू जीरो मिल गई, और सॉरी दिस इज वन वन, फिर जीरो जीरो, फिर जीरो, और ये वन, ठीक है, ये वैल्यू आपकी वन मिलेगी, ठीक है, तो प्लस टू टाइम प्लस ये वैल्यू आप कितनी मिल रही है वन, ठीक है, तो दिस इज सॉरी दिस इज टू अंदर जाएगा तो एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन, ठीक है, ये वैल्यू आप आगे बढ़ेंगे तो ये तो वन मिलेगा, वन मिलेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका वन, ये वैल्यू आपकी कितनी मिल रही है दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज अगेन जीरो, दिस इज वन वैल्यू, तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो दिस इज वन बाई टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, सिंपली आपने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज द टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन एक्स टू दी पावर वाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन, तो जब भी कुछ ना दिया हो तो हमेशा सीरीज को किस ऑर्डर तक आप रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड डिग्री तक, ठीक है, तो इसे याद रखना आसान है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, उनको आप खुद से लगाने का प्रयास करिएगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बोले नंबर वन, ठीक है, आपका जो फंक्शन है दिस इज साइन एक्स वाई इन पावर ऑफ जो रिप्रेजेंट करना है एक्स माइनस वन एंड y माइनस दिस इज पाई बाई टू, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर टू ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर टू लेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड दिस इज y माइनस पाई, इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई माइनस टू इन पावर ऑफ दिस इज एक्स माइनस वन एंड वाई प्लस टू, वाई प्लस टू का मतलब एक्स इज इक्वल टू वन,
एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर लेंगे आप, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स कॉस, दिस इज कॉस वाई नियर, नियर किसके नियर, नियर द पॉइंट, नियर द पॉइंट वन माइन वन कॉमा पाई बाई फोर, मतलब इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ई टू दी पावर एक्स इंटू इंटू कॉस वाई, कॉस वाई इन पावर ऑफ, इन पावर ऑफ यक्स, इन पावर ऑफ यक्स एंड यक्स एंड दिस इज वाई माइनस पाई बाई टू, या दूसरे शब्दों में इन पावर ऑफ एक्स माइनस जीरो एंड दिस इज वाई माइनस पाई बाई टू। तो इन सवालों को आप लोग आसानी से लगा सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। तो इस चैप्टर को मैं यहां पर क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग जैकोबियन बात करेंगे, साथ ही साथ उसी के पैरेलल हम लोग मैट्रिसेस थ्योरीज के बारे में भी स्टडी करने का प्रयास करेंगे, जो एक बहुत मेजर पार्ट है और अच्छा खासा आपको स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।